वेलकम टू माई YouTube वीडियो। तो आज की वीडियो है सम ट्रिक्स एंड टिप्स पे, बिल्कुल सिंपल और इजी इफेक्टिव सी हैं समर्स के लिए कि आप समर्स में किस तरह अपनी केयर कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक के देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। समर से तो हमारे फेस पे बहुत ऑयल आता है, ऑयल आने की वजह से हमारे फेस पे एक्ने हो जाती है, हमारे फेस डिहाइड्रेट हो जाता है और पफिनेस आ जाती है। तो उसके लिए आपने करना ये कि आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने आइस क्यूब्स ऐड करने और थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड कर लेना है और अपने फेस को उसमें 2 से 3 मिनट के लिए आपने डिप करके रखना है। बेनिफिट ये है कि आपके फेस को हाइड्रेट करता है, आपके फेस पे जितना ऑयल आता है एक्ने होती है उसे कंट्रोल करता है और आपका फेस जो पफनेस आ जाती है आपके फेस पे उसे कम करता है। और अगर आपको डार्क सर्कल्स का इश्यू है तो उसे भी कंट्रोल करता है। और हमारा सेकेंड स्टेप होगा फेस मास्क। टैनिंग हर किसी को हो जाती है गर्मियों में, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा फेस मास्क लाजमी अप्लाई करना पड़ता है। उनके लिए जो है बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव सा फेस मास्क है। आपने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी लेनी है, 1 टेबलस्पून आपने बेसन लेना है और बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स आपने लेमन के ऐड करने। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप लेमन को बिल्कुल स्किप कर दें, आप उसकी जगह हनी भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको हनी सूट नहीं करती तो उसकी जगह आप रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए तकरीबन इसे छोड़ देना है। उसके बाद जब आपका फेस ड्राई होने लग जाए तो आपने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। मेक श्योर कि थोड़ा ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करें। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से अपने फेस को वॉश करते हैं इसकी वजह से भी आपके फेस पर टैनिंग होती है और आपका फेस जो है डैमेज हो जाता है। गर्मियों में खासतौर पर ऐसा होता है। इनके लिए जो बहुत सारे फेस मास्क हैं, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको हर तरह के फेस मास्क मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो फेस मास्क है एक तो इफेक्टिव भी है, बिल्कुल सिंपल सा भी है और ऐसी चीज़ें जो आपके घरों में मौजूद होती हैं और इसमें ऐसी चीज़ें ऐड है जो कि टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि कॉफ़ी है। कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी टैनिंग को काफ़ी हद तक कम करती है और ग्राम फ्लोर का तो आपको पता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ब्राइट करता है, जो है आपके फेस को ब्राइट करता है। लेकिन अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप उसकी जगह हनी भी ऐड कर सकते हैं। फेस मास्क ड्राई होने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया था और उसके बाद हमारा 3rd स्टेप होगा बॉडी स्क्रब। फेस के साथ साथ हमारी बॉडी भी टैनिंग कर जाती है, तो उसके लिए आपने जो है DIY बॉडी स्क्रब बना लेना है। आपने उसके लिए लेना है थोड़ा सा चावल का आटा, उसमें आपने कोकोनट ऑयल ऐड कर लेना है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर लेनी है। सजेस्ट करूंगी कि जब आप शावर लेने जाए आप तब अपनी बॉडी पर स्क्रब करें, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको एक रिमाइंडर देने के लिए, एक वीडियो में ऐड करने के लिए आप लोगों को बताया। तो जब आप शावर लेने जाएँ 5 से 6 मिनट के लिए जो है आपने अपनी बॉडी पर स्क्रबिंग करनी है, और उसके बाद जो है आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर लेना है। इस स्टेप है हमारा DIY लिप स्क्रब, क्योंकि हमारे लिप्स बहुत पिगमेंटेड हो जाते हैं और हमारे लिप्स बहुत ड्राई भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लिपस्टिक भी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी लिपस्टिक के अलावा भी हमारे लिप्स जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट और पिंक से होने चाहिए। तो उसके लिए आपने करना ये कि आपने बिल्कुल सिंपल सा DIY स्क्रब बना लेना है। 2 टेबलस्पून वाइट शुगर लेनी है और आपने 1 टेबलस्पून उसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लेना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल सिंपल सा और इफेक्टिव DIY लिप स्क्रब है। इससे जो है आपके लिप्स बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं। तो आपने इसे जो है 3 से 4 मिनट के लिए जो है अपने लिप्स को स्क्रब करना है, बहुत ही जेंटली स्क्रब करना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना वरना आपकी लिप्स जो है बहुत ड्राई हो जाएंगे। तो है इसे बना के रख दें और वीक में 2 बार अपने लिप्स को जो है लाजमी स्क्रबिंग करें, ताकि आपकी लिप्स जो है पिगमेंटेड ना हो और आपकी लिप्स जो है बिल्कुल सॉफ्ट रहें। 5th स्टेप हमारा जो है फ्रोजन एलोवेरा। लेकिन अगर आपके फेस पर एलोवेरा सूट नहीं करता, इरिटेट करता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको सूट करता है उनके लिए बेस्ट, क्योंकि आपकी स्किन को जो है बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ बना लेते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो एलोवेरा बेस्ट है। उसके बाद जो है आपने अपने लिप्स को जो है हाइड्रेट रखना है, लिप बाम आपने लाजमी अप्लाई करनी है। अगर आप स्क्रबिंग कर रहे हैं तो आपने लिप बाम भी लाजमी अप्लाई करनी है। उसके बाद जो है आपने मॉइस्चराइजर डेली यूज करना है। समर्स हैं तो उसके लिए आपने बिल्कुल लाइट वेट सा मॉइस्चराइजर लेना है, जो ज़्यादा हैवी ना हो, और उसे जो है आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। उसके बाद जो हमारा 8th स्टेप है सनस्क्रीन। आपको तो पता है गर्मियों में हम सन ब्लॉक बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आपने जो है अच्छी सी जो व्हाइट कास्ट ना दें आपने वो सनब्लॉक यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पे रिवाज की सनब्लॉक यूज़ की है। जिनकी अंडर आईज ज़्यादा डार्क है उनके लिए है कि आपने थोड़ी सी सनब्लॉक जो है अपनी अंडर आईज पे ज़्यादा अप्लाई करनी है, एक्स्ट्रा अप्लाई करनी है। लेकिन इसके लिए जो है आपने कोई अच्छी ब्रांड की सनब्लॉक यूज़ करनी है, कोई आम से सनब्लॉक नहीं, क्योंकि इससे आपकी जो आईज़ को जो है इरिटेट भी हो सकता है। लेकिन आपने जो है बिल्कुल अंडर आईज पे अप्लाई करना है बिल्कुल आराम आराम से। अप्लाई करने के बाद जो है आपने इसे ब्लेंड कर लेना है। इससे होता है कि आपकी अंडर आईज ब्राइट हो जाती हैं, अगर डार्क है तो वो थोड़ी सी
कम लगती हैं और ब्राइट ज़्यादा लगती हैं, तो ये अच्छा है कि मैंने रिसेंटली ट्राई किया है। अगर आपको ये समर्स की थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।